दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप ठीक ही होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। इसे बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले भी बोर्ड मास यानी इसको समझना ज़रूरी है। पहले भी कोई भी क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो क्रिया किया जाता है वो भी है। भी का अर्थ होता है बार। इस तरह का टाइप का रेकरिंग दिया रहेगा कोई भी क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद बी यानी ब्रैकेट मतलब कोष्टक। उसके बाद ऑफ यानी का देगा होगा, यानी कोई देगा 100 का 200% निकालो, उसी का को हम गुणा में लिखेंगे। उसके बाद फिर डिवीजन यानी भाग। डिवीजन के बाद जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। उसके बाद एडिशन यानी जोड़। इसके बाद सबस्ट्रैक्ट यानी घटाओ। अब हम क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर लेते हैं, देखिए अच्छे से दिखाई देगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकलना है, भी यानी बार। इसमें से बार किधर है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर बार है। तो देखिए, बार का पहले सॉल्व होगा यानी 8 माइनस 5। 8 से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 3, यानी 7 माइनस 3। इसे देखिए, इसे जीव कहते हैं उतारी पहले और बार का प्रयोग कीजिए। 16 माइनस 5 ये सब ठीक है, ये 7 माइनस 3, ये 8 से 5 घट गया 3 हो गया। इससे कोष्ट अब क्या कर रहा है, उसके बाद अब ब्रैकेट का सॉल्व होगा। यानी देखिए, इसमें से ब्रैकेट में कितना है, ये छोटा वाला ब्रैकेट देखिए, फिर यही लिखेंगे और 7 माइनस 3 को अब घटाएंगे। सबसे ब्रैकेट वाला हो गया, 7 में से 3 घट गया 4। उसके बाद 16 माइनस 5, उसके बाद 6 2। उसके बाद हम करेंगे ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, इसमें का तो है नहीं। उसके बाद डी, डिवीजन यानी भाग, इधर भाग भी नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो देखिए, ये कोष्ट में यानी गुणा, 2 गुणे ये हो जाएगा गुणा, यानी 2 गुणे 4। तो उसके बाद 16 माइनस 5 माइनस ज्यों कहते हुए उतारेंगे, 6 प्लस 2 गुणे 4 ये हो गया। उसके बाद 16 माइनस 5 माइनस, उसके बाद कोष्ट का देखिए, कोष्ट का काम हुआ 6 6 प्लस 4 दुनिया का 8 6 14। अब 16 माइनस 5 माइनस ये कोष्ट पर 14। उसके बाद 16 माइनस 9, 16 माइनस उसमें माइनस भी है, 5 में से 14 घटेगा, -9 हो जाएगा। फिर 16 प्लस 9 25। अब हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है 1 प्लस 6 प्लस 14 भागा 7 भागा 2। ये कोष्ट में ये महिला कोष्ट, ये 5 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2/√16, ये √16 दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले बार को सॉल्व करेंगे हम। पहले देखिए, लिख लिखे हैं बोर्ड मास, भी बोर्ड मास। पहले भी का अर्थ होता है बार, यानी बार करते हैं 6 प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा। और इसको हम अब सजा देंगे। देखिए, ये 6 1 7 हो गया। उसके बाद ये 14 भागा 7 यानी 14 गुणे 1/7 लिखेंगे। और इस तो यहाँ तक तो क्लियर है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, ये 6 प्लस 1 ये पहले बार का काम होता है, 6 प्लस 1 यानी 7, ये 14, ये भागा में है तो गुणा में आने के लिए 1/7, ये भी भागा में तो गुणे 1/2 कोष्ट में बंद, प्लस फिर 5, ये 2 दुनिया का 4 प्लस 2, ये 2 गुणे 2/16 का वर्गमूल 4। अब इसे फिर हम जाते हैं 7, ये 7 दुनिया का 14 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 1 बचा यहाँ पर। ये 5 का 20 2 22/2 4। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखो, यानी 7 प्लस ये 1 प्लस ये 1, ये कट के 1 आ गया। ये 5 का 20 प्लस 2 गुणे 2/4, ये 7 प्लस 1 प्लस ये 5 का 20 प्लस 2 22 गुणे 2/4 ये। उसके बाद ये 7 प्लस 1 8 ये हमारा कट जाएगा, इसे हम ये हो रहा है 2 दुनिया का 4 कट गया, ये 11 या 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा 19 टोटल।
यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, वो भी इजी से लेकर हार्ड तक। अब सिंपलीफिकेशन का डर ही खत्म हो जाएगा।